हाय गाइस, स्वागत है मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस, बहुत टाइम हो गया, 2 या 3 महीने हो गए थे कि मैंने वीडियोस अपलोड करना बंद कर दी थी। कुछ मेरे पर्सनल वर्क आ गए थे कि मुझे उसे बहुत इंपॉर्टेंटली पूरा करना था। कुछ मेरे पेपर्स भी थे जैसे मुझे कंप्लीट करना था। तो गाइस, उस चक्कर पे मैं अब इस चैनल के अंदर वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया था। पर गाइस, अब वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब मैं आज से ही अपनी वीडियोस स्टार्ट कर दूंगा अपलोड करना। रेगुलरली आपके साथ वीडियोस अपलोड होंगी कि कौन से स्टॉक्स मार्केट में आपको हर दिन परचेज कर सकते हो इंट्राडे बेसिस के अंदर, और वही जो स्टॉक्स हैं वो क्या आप शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय या सेल कर सकते हो फ्यूचर्स और या ऑप्शंस पे, तो सब चीज़ आपको बताई जाएंगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी का भी अपडेट आपको हर टाइम प्रोवाइड कराया जाएगा, और उसी के साथ आपको अपने जो मार्केट के साथ हम आपको एक कोर्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं। कोर्स इन द सेंस कि इसी के चैनल के अंदर अंदर मैं आपको किस तरीके से इलिट वेव्स देखा जाता है, किस तरीके से मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स को बिहेवियर को अंडरस्टैंड करके हम एक डिसीजन लेते हैं कि मार्केट में हमें बाय या सेल करना है कि नहीं करना है। कौन से जो फैक्टर्स हैं, क्रूड ऑयल हो गया, बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम पर्टिकुलर स्टॉक्स में ट्रेड कर सकते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाया जाएगा। तो गाइस, ये हल्के हल्के हम चैनल के अंदर अब बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो मैं आपके लिए सबसे पहली वीडियो लेकर आया हूँ कि आज आरबीआई की पॉलिसी आई है। आरबीआई की पॉलिसी, हमने जैसे पता था कि 25 बेसिस पॉइंट का कट रेट आना ही था रेपो रेट और रिजर्व रेपो रेट में, तो उसकी वजह से हमने देखा कि कुछ ऐसे चीज़ें थी जिसकी वजह से मार्केट गिरी थी। हम कह सकते हैं कि ग्रोथ स्लो डाउन है। हम ये भी कह सकते थे कि जो GDP का ग्रोथ था 7% रखा है 2020 के लिए, तो वो भी एक अच्छी बात नहीं है। अब ये मार्केट किस तरीके से बिहेव करेगी उसके बारे में भी हमें बात करनी होगी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, आप देख रहे होंगे कि मार्केट के अंदर बहुत सी वीडियोस, बहुत से लोग कह रहे हैं, एक्सपर्ट कह रहे हैं कि ये एक रिसेशन दोबारा आ सकता है, मार्केट दोबारा बहुत नीचे गिर सकती है, 1000-2000 पॉइंट्स की करेक्शन मार्केट दे सकती है। मैं उस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो वो कैसे आ सकती है उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना ली है, वो भी जल्द मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि ये उसका हम कह सकते हैं एक हेडिंग होगी, बिफोर रिसेशन इंडिकेटर, यानी कि आपको मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपको रिसेशन के बारे में बताया था कि 2008 में भी जो रिसेशन आया था उसके पीछे एक जो रीज़न था जो हमें पहले ही पता चल गया था वो क्या इंडिकेटर था, वही इंडिकेटर आज भी हमें बता रहा है कि अब हमारे मार्केट में रिसेशन या यूएस के मार्केट में रिसेशन आ सकता है। वो इंडिकेटर के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। ये वीडियो मैं जल्दी ही पब्लिश कर दूंगा, इसकी वीडियो मैंने बना चुका हूँ। हम इस वीडियो पर्टिकुलर वीडियो के अंदर क्या बात करेंगे कि टेक्निकल एनालिसिस में क्या मार्केट नीचे गिरी हुई दिखा रही है, क्या टेक्निकल एनालिसिस सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट बहुत नीचे गिर सकती है। माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स, यानी कि जो यूएस माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि ये चीज़ें आ रही हैं, इन्वर्टेड यील्ड कर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी इस वीडियो के लिए। इन्वर्टेड यील्ड कर्व आप पहले भी सर्च करके रख सकते हैं, इसके बारे में पढ़िएगा ज़रूर, बहुत डीप टॉपिक है, हम आपको ब्रीफली बताएंगे इसके बारे में। यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो चल रहा है और जो GDP का स्लो डाउन आ गया, यूएस मैक्सिको का भी ट्रेड वॉर शुरू हो चुका है जैसा कि जो अभी करंट न्यूज़ में आ चुका है, और यूएस ने इंडिया का स्टेटस जो था प्रेफरेंशियल स्टेटस वो टर्मिनेट कर दिया। बहुत सी ऐसी नेगेटिव फैक्टर्स आ चुकी है माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर, और टेक्निकल एनालिसिस क्या सजेस्ट कर रहा है कि अब रिसेशन मार्केट में आ सकता है या स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकती है। सो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत सब्जेक्टिव वीडियो बनाई हुई है, आपके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो रहेगी ये, तो ज़रूर देखिएगा जिस दिन ये वीडियो अपलोड होगी। ये वीडियो को बहुत अच्छे से देखने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दीजिएगा। बेल आइकन दबाने से होगा ये कि जैसी ये वीडियो आएगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप इसे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। सो गाइज, अब हम बढ़ते हैं सबसे पहले 5 स्टॉक्स की तरफ जो कल मार्केट में आपको आउट परफॉर्म रिटर्न दिलवा सकती है। उसमें से 5 स्टॉक्स हैं उज्जीवन, हिंद पेट्रो, चोला फाइनेंस, इंडप्रस्ट गैस लिमिटेड IGL, सेंचुरी टेक्सटाइल। उज्जीवन की बात करें तो उज्जीवन पे मैंने शॉर्ट की सलाह दे दी है अपने क्लाइंट्स को, मैंने कल ही अपने क्लाइंट्स को शॉर्ट की सलाह दे दी थी इस पे। ये हमारा शॉर्ट टर्म है, मैं आपको बता देता हूँ, इंट्राडे बेसिस पे भी ये हमें सेल साइड या हमें फॉल दिखाएगा, पर ये शॉर्ट टर्म पे भी हमें लोअर लेवल्स अच्छे खासे दिखा सकता है। सो इंट्राडे बेसिस की अगर हम बात करें तो उज्जीवन सेल की सलाह, टारगेट 351-345 रहेगा, स्टॉप लॉस 363,
हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। करंट लेवल आपको नीचे शो कर रहे होंगे हर पर्टिकुलर स्टॉक के। इन पेट्रो की बात करें, ये भी हमारा प्रीवियस से हमने बहुत पहले से ही इस पे शॉर्ट की सलाह दे रखी थी, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें हमने थर्सडे को ही सलाह दे दी थी शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। जो हमारा टारगेट है वो 291 का है, 295 समथिंग क्लोजर टू ये है, और जो हमारे जो रिस्की ट्रेडर्स हैं उसके लिए हमारे लिए 295 तक का टारगेट है। पर जो हमने क्लाइंट्स हैं जो ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, उसने हमने आज ही अपनी पोजीशन को वाइंड अप करा दिया था 303 के आसपास। पर गाइस अभी भी ये थोड़ा बहुत ऊपर अगर जाता है तो भी मैं आपको सलाह दूंगा 310-311 के आसपास अगर जाता है तो आप इसे दोबारा शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 304-299। स्टॉप लॉस आपको 313 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा हिंड पेट्रो के अंदर। चोला फाइनेंस आज इसमें एक बिल्कुल ब्रेकआउट जो हम देख रहे थे कि चोला फाइनेंस में बहुत अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था और उसने बहुत अच्छे लेवल से ही अप मूव दिखाई थी। बकाइस अब चोला फाइनेंस के अंदर ट्रेंड रिवर्सल आ चुका है, अब ब्रेकडाउन आ सकता है इसके अंदर, और ये जो ब्रेकडाउन है इसे 1500 के लेवल से आज ये गिरना शुरू हुआ था, और गाइस 1500 से ये 1400 तक आराम से जा सकता है। ये आपको मैं इंट्राडे के लेवल्स दे रहा हूँ 1459-1450 के। स्टॉप लॉस आपको 1482 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा, पर जो इसके शॉर्ट टर्म यानी कि 3-4 दिन के टारगेट हैं वो 1410 तक के आ रहे हैं चोला फाइनेंस के अंदर, तो या आप फ्यूचर या ऑप्शन के थ्रू इस पर ट्रेड कर सकते हैं। IGL बहुत बढ़िया काउंटर है, अपने डेट हाई लाइफ टाइम हाई में चल रहा है, और ये मेरा अभी तक का बेस्ट स्टॉक है जो मुझे लगता है और मेरे पोर्टफोलियो पे भी है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो 352-356 के टारगेट के साथ ऐसे आप बाय करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको 345 का मेंटेन करके चलना पड़ेगा। मुझे लगता है कि गिरती हुई मार्केट पे ये आउट परफॉर्म कर सकता है और अभी भी चल सकता है। सेंचुरी टेक्सटाइल बहुत बढ़िया स्टॉक था, जब मैंने आपके लिए बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, शायद मेरी लास्ट वीडियो होगी वो जो मैंने ये बनाई थी, और उस वीडियो पे मैंने कहा था कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर वो पर्टिकुलर स्टॉक ये जाता है तो बहुत अच्छी खासी अपसाइड हम देखने को हमें मिल सकती है। तो गाइस जिस तरीके से हमने देखा कि 1025 के लेवल तक भी चला गया था और अब इस पे हम देख रहे हैं कि ट्रेंड रिवर्सल आ रहा है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल है, वैसे ही स्टॉक पोर्टफोलियो पे रखने के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है अगर हम इसकी बात करें। तो अभी हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म की, तो 991-984 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इंट्राडे बेसिस के अंदर कल के मार्केट पे। स्टॉप लॉस आपको 1008 का इसके अंदर लगा के चलना पड़ेगा। कहीं जब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल सकता है, मैं आपको आज सिर्फ कल के मार्केट के बिहेवियर के हिसाब से ही बताऊंगा। पूरी डीप स्टडी निफ्टी के बारे में आपको मैं उसी वीडियो में बताऊंगा जो अभी मैंने आपको थंबनेल दिखाया है। सो गाइस पढ़ते हैं निफ्टी की चार्ट की तरफ। गाइस मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा हुआ है, आप निफ्टी के चार्ट पे देख सकते हैं कि यहाँ से जो मैंने सिर्फ दो ट्रेंड लाइन ही ड्रॉ कर रखी है और उस दो ट्रेंड लाइन ने ही हमें अच्छा खासा एक सब्जेक्टिव व्यू बता दिया था कि किस तरीके से मार्केट बिहेव कर सकती है। आप देख सकते थे कि मार्च में ही मार्केट ने एक अपमूव दिखाना शुरू कर दिया था, पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन जो मैंने आप देख सकते हैं अपर रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन बना रखी है, निफ्टी उसे बिल्कुल एक सब्जेक्टिव तरीके से ही फेस कर रहा है, यानी कि उस ट्रेंड लाइन के ऊपर वो नहीं निकल रहा है। आप देख रहे हैं कि मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रहा है पर वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हम एक शॉर्ट टर्म डाउनसाइड देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म डाउनसाइड यानी कि हम बात कर सकते हैं कि अगर ये मार्केट 100 पॉइंट बढ़ रही है पूरे हफ्ते में तो उसके बीच में वो 50 पॉइंट का एक शॉर्ट टर्म करेक्शन भी ले रही है, जिसकी वजह से हमारी मार्केट ज़्यादा ओवरबॉट सिचुएशन में ना चली जाए। सो वही चल रहा है। अब मैं आपको इसे आर्ली चार्ट में लेकर जाता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से मैंने अपनी शॉर्ट की पोजीशंस इनिशिएट करवा ही दी थी अपने इंट्राडे सेशन के अंदर अंदर ही। सो गाइज अभी ओपन होने में कोई दिक्कत हो रही है, मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। अब देख सकते हैं ये जो आली चार्ट है, हमें कल के सेशन पे ही पता चल गया था कि यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हो रहा है और मार्केट अब दोबारा नीचे जा सकती है, और हमने अपने क्लाइंट्स को यहीं पर ही शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करने की सलाह दे दी थी। जी गाइस सो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी आली चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, कुछ इंटरनेट इश्यू आ गया होगा, आप वेट करिए जरा। जी गाइस सो आ गया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने आली चार्ट बना रखा है, जो ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन थी मैं आपको दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से ऊपर की रेजिस्टेंस लाइन फेस कर रही थी।
जी गाइस, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ से रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करने की शुरू करता हूँ। रेजिस्टेंस लाइन जो होगी गाइस वो थोड़ी सी दूर हो जाएगी, सो आपको पूरा क्लियरली व्यू दिखा देता हूँ मैं। जी गाइस, सो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने एक अपूव दिखाई थी, पर यहाँ पर भी इसने रेजिस्टेंस फेस करा, फिर दोबारा उसने कोशिश करी और रेजिस्टेंस फेस करके दोबारा हम नीचे आए। यहाँ जो इसकी सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वहाँ से उसने एक अपमूव वापस देना शुरू करी और हम दोबारा देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने शैडो छोड़ी और शैडो छोड़ने के बाद दोबारा नीचे आया। और हमने देखा कि कल भी बिल्कुल सेम तरीके से ही इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करा, और हमने आज अपने क्लाइंट्स को मार्केट में शॉर्ट पोजिशन इनिशिएट कब करवाई थी, जब 50 डे आली चार्ट में ब्रेक हुआ था, यानी कि आपको बता सकते हैं कि 11,950 के आसपास ही हमने क्लाइंट्स को इसमें शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करा दी थी। ये थोड़ा एक रिस्की ट्रेड था क्योंकि आरबीआई पॉलिसी तब तक नहीं आई थी और वो इसके नीचे ट्रेड कर रहा था, तो हमने कुछ क्लाइंट्स को ही इस पे अपनी पोजीशन को शॉर्ट पोजीशन को इनिशिएट करने की सलाह दी थी जो ज़्यादा रिस्क उठा सकते हैं, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी के बाद मार्केट में कुछ भी हो सकता था। पर जिस तरीके से इसे ब्रेक करा था हम सजेस्ट कर चुके थे कि यहाँ से मार्केट दोबारा नीचे गिर सकती है। अब हम मार्केट की बात करें कि मार्केट और कितनी नीचे जा सकती है, तो गाइस अब मैं आपको एक पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहूँगा कि ये जो लेवल है 11,850 का लेवल, ये क्रूशियल लेवल है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी इसने एक रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पर एक सपोर्ट लाइन है, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये फेस कर रही है। जी गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ इसने रेजिस्टेंस फेस करा, यहाँ पर इसने सपोर्ट फेस कर रही है, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से एक दोबारा अपमूव दिखा दे। अपमूव जो दिखा सकती है वो 11,950 के आसपास जा सकती है और वहाँ से हम दोबारा एक बार शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 11,670 का लेवल, या हल्के हल्के करते करते मार्केट दोबारा भी नीचे आ सकती है अपने प्रीवियस सपोर्ट ट्रेंड लाइन की तरफ जो कि 11,300 का है। अब गाइस आप बहुत बार अपने, अगर आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, बहुत यूट्यूब वीडियोज़ देखते होंगे, या मैं भी आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि ये जो गैप अप होता है, ये आप देखते हैं जो गैप फिल करना होता है, ये गैप को ज़रूर फिल करती है मार्केट। अभी नहीं करेगी तो थोड़े दिन बाद ज़रूर करेगी, और ये गैप फिल करने के लिए मार्केट को नीचे आना पड़ेगा और आने के लिए वो 11,650 तक भी आ सकती है। सो गाइज मैंने आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए, मार्केट यहाँ से भी रिवर्स करके 100 पॉइंट की रैली ऊपर की तरफ दे सकती है, वहाँ से हम अगर एक शॉर्ट इनिशिएट करेंगे तो हमारे लिए जो एक टारगेट, या अगर हम एक स्टॉप लॉस इनिशिएट करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 12,100 का। करंट मार्केट प्राइस जो हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे वो करेंगे 11,950 की फॉर अ टारगेट ऑफ 11,650। बहुत बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है, जो ब्रीफली तरीके से आपको रिसेशन के बारे में, स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में बताना है, और कौन सी ऐसी जो बैड न्यूज़ आ रही है उसको भी हम देख रहे हैं कि हर दिन बैड न्यूज़ आ रही है पर मार्केट उसको हम कह रहे हैं कि हटा देता है, पर तब भी मार्केट ऊपर बढ़ रही है। ये जो रीजंस आ रहे हैं यही एक रीज़न है स्टॉक मार्केट की क्रैश का, इन्वर्टेड यील्ड कर्व। अभी भी मैं आपको बता देता हूँ, सर्च जरूर करिएगा, सबसे मेन इंडिकेटर, सबसे मेन पॉइंट है जो हमारी मार्केट को क्रैश करवा सकता है, यूएस मार्केट में रिसेशन या यूएस मार्केट में एक क्रैश आ सकता है। बहुत सी न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं, अगर आप सिर्फ गूगल में, आप एक काम करिए, गूगल में आप सिर्फ रिसेशन टाइप करिए और सबसे पहले जो आपको एक पॉइंट दिखेगा, जो एक साइट दिखेगी, वो भी आपको इन्वर्टेड यील्ड कर्व के बारे में ही दिखेगी। सो गाइस मेरे चैनल पे बने रहिएगा, और वो वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। सो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ, साइनिंग ऑफ।